यहाँ पे बहुत सारे पपीज हैं। नहीं इशू, दैट वाज नॉट फॉर यू बेटा। इशू, डिड यू सी? अरे भाई अभी इशू का थोड़ा सा मूड जो है बिल्कुल। इशू, डिड यू सी छोटा बेबी? इडली छोटा बेबी। इशू, इशू का आज थोड़ा सा बहुत अपसेट चल रही है क्योंकि हम लोग, मैं और पिस्ता जब जैसे हमारे साथ होती थी तो हम लोग उसको कभी टीवी या फोन दिखा देते थे थोड़ा थोड़ा, तो अब उसको मेरे ख्याल से उसका एडिक्शन हो गया है और वो रात के 3 बजे उठ के उसको फ़ोन देखना है, टीवी देखना है, यू नो, रोना है, अभी भी कंटिन्यूसली रो रही है। मैं यहाँ पर हूँ, देखिए शिल्पा और इशू दोनों बैठे हुए हैं नीचे गार्डन में, आप लोगों को दिखे? ये रहे शिल्पा, इशू और एक पप्पी। तो इशू अभी भी रो रही थी, आई होप अब वो चुप हो गई हो। तो ये तीनों के तीनों यहाँ बैठे हुए हैं एंड इशू वॉज क्राइंग एंड चूंकि शी वॉज क्राइंग, ये लड़का है कि लड़की है? लड़की। ये लड़की आके इशू को कंपनी दे ली है और मैं सबसे बता रहा था कि भाई इशू बड़ा रो रही है, हमने थोड़ा सा उसे जो आदत डाल दी थी थोड़ी सी आपकी एब्सेंस में, तो वो जो है, और ये बेबी यॉन कर रही है। इशू हाय, इशू सबको हाय तो कर दो यार। आज इशू अच्छे मूड में नहीं है। मैं दूसरी चीज एक और सोच रही थी। हाँ। The other thing that's taking a toll, उसकी वजह से रातें और difficult हो गई हैं। मेरे साथ कभी आधे घंटे से ज़्यादा दिन में सोती नहीं थी, 1 घंटा मैक्सिमम, अब 3-3 घंटे सोती है। Right. तो जो बच्चा दिन में 3 घंटे सो रहा है उसकी रात की नींद तो कम होगी ना, होगी। तो वो जो रात में अब 1:15 के बाद जो वो उठ के फुल जगराता करने लग गई है, हाँ। वो दिन में 3-3, 4-4 घंटे सोने का भी नतीजा है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब, मौसम अग्निहोत्री इसके ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इशू जी अभी अभी सो के उठी हैं, इशू जी की मम्मा जो हैं इशू जी के लिए परफॉर्म कर रही हैं और पिस्तू जी नहा धो के सब तैयार हो रही हैं और हम आए उससे पहले इशू भी जो है डांची डांची कर ली थी। तो आज जो है मम्मा की छुट्टी है, तो आज जो है मैं, मम्मा, इशू और पिस्तू हम लोग सब जो हैं बाहर जा रहे हैं घूमी घूमी करने, लोगों की बड़ी खतरनाक शूटिंग चल रही है। इसे डांस करके भी दिखा दो लोगों को। इशू कैमरा को देख के कह दी तो लेटेस्ट खबर ये है कि इशू सो रही थी लेकिन पिस्ता दीदी ने इशू को उठा दिया कि ये उठ, बहुत कीड़े हैं, पिस्तो हमेशा आके ऐसे करेगी, ऐसे इशू सो रही होगी ना तो पिस्तो आके करेगी। तो मैं कहती क्या कर रही है तू? कहती ऐसे बस बात कर रही हूं। तो भैया ना हम लोग जब इशू सोती नहीं तो हम लोग बोलते हैं यार इशू सोती नहीं है यार ढंग से, जब इशू सो ली है तो हमने इशू को उठा दिया। ये मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने जो बाहर का नज़ारा है वो मैंने दिखाया था पहले कुछ उसमें जब हम लोग यहाँ पर आए थे, बट इट्स ब्यूटीफुल, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हरियाली। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हमारे एकदम बगल में, सो इट्स ब्यूटीफुल और वेदर जो है बहुत बढ़िया है इस वक्त। ऑब्वियसली जब सूरज निकल आएगा तो थोड़ा वेदर थोड़ा सा वैसा हो जाएगा नॉर्मल, बट अभी आई थिंक 19 डिग्रीज है टेम्परेचर। तो आज जो है हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है गुड्डू? आज हम सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक बड़े प्यारे से योगेश जी करके हैं,
जो मुझे सेट लेकर जाते हैं रोज अपनी प्यारी सी गाड़ी में। तो योगेश जी ने मुझे एक बार कहा था कि मैम जब भी आपकी कभी छुट्टी होगी तो मैं आपको यहाँ पे जो आसपास मंदिर है वहाँ लेके जाऊंगा। तो योगेश जी जो है आज हमें मंदिर लेकर जाएंगे। महादेव जी का एक मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है, गणेश जी का एक मंदिर है, तो हम मंदिर घूमेंगे। और फिर जो मेरे साथ मेरे को एक्टर्स हैं कौशल्या और सुमित्रा, आनंदी और भावना, हम सबके सब दमन जाएंगे, घुमी घुमी करेंगे। अरे वाह, दमन जाएगा वापस मट्टी। तो आज का खाना हम बाहर खाएंगे, लेकिन वील बी वेरी केयरफुल बिकॉज लास्ट टाइम जब हम खाना हम लोगों ने बाहर खाया था तो शिल्पा जी की मम्मा, ईशू की मम्मा की तबीयत जो है वाट लग गई थी, जबकि इट वॉज अ वेरी बिग और फेमस ढाबा। लेकिन कभी कभी होता है ना, ग्रीन्स खाने में आई थिंक यू हैव टू बी वेरी, हाँ, वन ऑफ था। तो बट दिस टाइम वी बी केयरफुल कि भैया क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो कई बार हमारा सिस्टम भी थोड़ा डगमगाया हुआ होता है ना, इट्स नॉट द प्लेस। कई बार ऐसा होता है, हो सकता है मेरी इम्यूनिटी उस वक्त डाउन होगी, मेरे सिस्टम में कुछ ऐसे गड़बड़ होगी, तो कोई एक खाने में चीज ट्रिगर कर गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा ढाबा है, बहुत फेमस ढाबा है। सो वन ऑफ हुआ था, कोई नहीं है। लेकिन ईशू जी ने बड़े मजे किए थे वहाँ पे। एक ट्रेन थी ना जहाँ पे ईशू बैठी थी, ट्रेन या गाड़ी थी जिसमें ईशू बैठी थी। और ये है ईशू जी अपने आप को देख के एडमायर कर रही हैं, बिस्किट खा रही हैं। चाहिए चाहिए, तो चलिए चलते हैं फिर सीधे गाड़ी में, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। करेक्ट। नहीं नहीं यार, हम लोग वही बात कर रहे थे कि ईशू के बाल जो है हम लोग वो करवाएं कि नहीं करवाएं। फिर मुंडन करवा लेंगे, पर थोड़ा सा नीचे पूरा बाल मुझे नहीं लगता हम लोग को करवाना है फिलहाल। तो पिस्तू रेडी है और ये छोटा बच्चा अपनी मम्मा के साथ भी रेडी हो गया है घूमी घूमी जाने के लिए। हाँ, ईशु बड़ा क्यूट सा लग रहा है। आई लव व्हाट ईशु इज वेयरिंग। हाँ दिखाइए, ये देखिए ईशु ने क्या पहना हुआ है। तो ऑसम अपनी न्यूट्रीज जो हैं अपनी छोटी सी ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। पिस्तू रेडी। आज ईशु के लिए बड़ा वैसा दिन है, आज तो मम्मा की गोदी में है भाई। हैं? मम्मा ईशु दोनों आज बड़े खुश लग रहे हैं। क्या कुकुर? हैं? तो ऐसा हुआ है कि गाड़ी जो है शूटिंग पे गई हुई है और हम लोग काफी लोग हैं। कितने? 6-7 लोग होंगे ना हम लोग। हम लोग मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं। गाड़ी गई हुई है इस वक्त। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ और ये लोग जा रहे हैं लंच पे, शिल्पा एंड कंपनी। और ईशू भी जा रही है लंच पे। शिल्पा मेरा लंच जो है पैक करा के यहाँ पे ले आएगी और मैं अपना लंच यहाँ पे करूँगा। तो अभी अभी क्या हुआ, मैंने ईशु को डरा दिया। ईशु जो है मेरा आईपैड देख रही थी, तो मैंने ईशु को बोल दिया, अरे ईशु। बस उसके बाद से ईशु जी का रोना चालू हो गया था। आई एम सॉरी ईशु, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ईशु प्लीज। देखिए ये ऐसे जैसे है ना, ये लगा हुआ था मेरे आईपैड के स्विच और ईशु बेचारी टच कर रही थी, मैंने कर दिया एकदम से, अरे ईशु क्या कर दिया। बस बैं, बैं। तो ये लोग गए हैं लंच करने, सब घर के बाहर हैं एंड आई एम होम अलोन। तो अगर ये छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा सिंपल सा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। हमें आपके कमेंट्स का भी बहुत इंतज़ार रहता है। वी लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिएगा और बाद में मिलते हैं आप सबसे।